चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लखीमपुर की सियासी लड़ाई की। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने का ये पूरा मसला है। कांग्रेस जयपुर में निकालेगी मौन जुलूस। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ, डोटासरा, मंत्री, विधायक इसमें शामिल होंगे। 11 बजे जयपुर कलेक्ट्रेट से शहीद स्मारक तक मौन जुलूस जो है वो निकाला जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध करने जा रही थी प्रियंका। सीतापुर में पीएसी गेस्ट हाउस में हिरासत में है प्रियंका। तो इसी को लेकर आज प्रियंका गांधी ने जो है ट्वीट भी किया है कि बिना किसी जुर्म के से पीड़ितों से मिलने को लेकर उन्हें हिरासत में ले लिया। तो जो लोग हैं जिन्होंने किसानों को कुचलने का प्रयास किया तो उनकी गिरफ्तारी कब होगी? तो वहीं अब जो है ये पूरा मसला जो है तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में आज जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौन जुलूस जो है राजधानी जयपुर में निकाला जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने से जुड़ा ये पूरा मसला है। कांग्रेस जयपुर में मौन जुलूस जो है वो निकालेगी। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री, विधायक जो है वो शामिल होंगे। 11 बजे जयपुर कलेक्ट्रेट से शहीद स्मारक तक मौन जुलूस निकाला जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध करने जा रही थी प्रियंका, उसी दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? मौन जुलूस जो है 11 बजे निकाला जाएगा, तो ऐसे में कांग्रेस का जो रुख है वो क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह के घटना का उत्तर प्रदेश में हुआ, लखीमपुर में हुआ, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार किया गया, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन है। थोड़ी देर बाद सीएम गहलोत पहुंचेंगे और डोटासरा पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट से लेकर शहीद स्मारक तक पूरा मौन जुलूस कांग्रेस के कार्यकर्ता। हमारे साथ बद्री जाखड़ जी है कांग्रेस के नेता, हमारे साथ मेघवाल जी है कांग्रेस विधायक। बद्री जी, जिस तरह का घटनाक्रम है और प्रियंका गांधी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 महीना हो गया किसानों का धरना प्रदर्शन के ऊपर और बीजेपी ने जानबूझकर जो गाड़ी चढ़ाने का ऊपर का काम किया है बीजेपी किसानों के ऊपर, ये बहुत निंदनीय है। और हमारे प्रियंका जी वहाँ मिलने के लिए जा रही थी तो प्रियंका जी को रोककर बंद किया, इसलिए सब कांग्रेस जिलों में रोष है। पूरा राजस्थान में नहीं, पूरा भारत में धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार ये कानून में कोई जानती नहीं है, कोई समझती है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई काम करने का लायक नहीं है। आज मंत्री का बेटा गाड़ी लेके जा रहा है, किसानों के ऊपर निकाल देते हैं। किसान देश का अन्नदाता है और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये किसके देखो तानाशाही, ये लोगों की जबरदस्त तानाशाही है बीजेपी वालों की। ये कानून नाम की चीज समझ ही नहीं रहा, संविधान को ताक में रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के मंत्री वो मंत्री उस मंत्री को बर्खास्त करे जल्दी से जल्दी और उसके ऊपर कानून कार्रवाई करे और मुकदमा दर्ज करे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सीएम गहलोत अभी मौन जुलूस निकालेंगे, पैदल चलेंगे इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ। सीएम गहलोत जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ जितना ही कम है। गहलोत जी एक गांधीवादी नेता है और गांधीवादी नेता हमेशा ऐसे चलते। आपने कहा मौन जुलूस, वो मौन जुलूस के निकालते तो समझ लो कि बहुत बड़ा जुलूस निकला है। और जो गहलोत जी ने जो काम किया है वो तो हमेशा कांग्रेस के साथ में, जो प्रियंका जी को वो बंद किया है उसके समर्थन में, गहलोत जी का तो हमेशा गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है और वो तो अन्याय के खिलाफ लड़ता ही रहता है। ये मैं कहना चाहता हूँ, गहलोत साहब को बहुत बहुत यहाँ पर जो कह रहे थे, धन्यवाद। प्रताप जी, जिस तरह प्रियंका गांधी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, प्रियंका गांधी के साथ जो घटनाक्रम हुआ उन्हें गिरफ्तार, देश में रिएक्शन है। जिन इंदिरा जी ने बलिदान किया, उनकी पोती जब आज वहां पर जाती है, किसानों पर जुल्म होता है, 5-5 किसानों को कुचल देते हैं और उसके बाद भी जो हालात जिस तरह का घमंड ये लोग दिखा रहे हैं, ये घमंड मोदी जी की सरकार को खत्म कर देगा। घमंड बहुत जबरदस्त है और इस घमंड का हम सब मिलकर जवाब देंगे, पूरा देश।
इस वक्त किसानों के साथ खड़ा है, किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और ये जुल्म किसी भी कीमत पर हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जुल्म को स्वीकार करने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है जितना जिसके ऊपर जुल्म होता है। तो मुकाबला करना पड़ेगा। अब ये लाठी गोली के दम पर देश को चलाना चाहते हैं। यूपी के हालात बहुत ख़राब है, आप खुद जानते हैं, कार के नीचे कुचल दिया उन लोगों को और सामने कुचल दिया, उसके बाद जब वहाँ पर किसानों को बचाने की कोशिश होती है तो वहाँ लोगों को जाने नहीं देते, अलग अलग पार्टियों के नेता जाना चाहते हैं जाने नहीं देते, प्रियंका गांधी जी के साथ मैन हैंडलिंग करने की कोशिश करते हैं, धक्का मारती है पुलिस, बदतमीजी करती है, ये लोकतंत्र है। मोदी जी नाटक करते हैं लोगों के पांव धोने के, पांव, अरे तो वहाँ तो मर गए लोग, टांगे तोड़ दी, नीचे दबा दिया, तो मोदी जी कहाँ हैं? वो पांव धो के जो जिस तरह के फोटो आज चला रहे हैं कि ये मोदी जी हैं जो मजदूरों के पांव धो रहे हैं, मजदूरों ने तो पांव टूट रहे हैं, मजदूरों के तो पांव तोड़ दिए, किसानों को नीचे कुचल दिया, इसके बाद कुछ बच गया क्या? आप पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगाई से लोगों को मार रहे थे, अब तक तो डायरेक्ट गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार रहे हो, अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस पूरे देश में लड़ेगी और ये मान कर चलिए हम हमारा खून पसीना बहा सकते हैं, हमारी जान लड़ा सकते हैं, लेकिन जुल्म किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जुल्म की तो हदें पार कर दी इन्होंने और अब किसी भी कीमत पर ये काम चलेगा नहीं। और मैं आप सबसे कहूँगा कि आज हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सब जगह पूरे देश में विरोध कर रहा है, कल कैंडल जलाकर विरोध किया, पुतले जलाकर विरोध किया और आज भी पूरे देश में उसी कड़ी में आज ये विरोध हो रहा है। प्रताप जी, आज सीएम गहलोत खुद पदयात्रा कर रहे हैं, मौन जुलूस निकालेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि सारा आपके अध्यक्षता में पूरा आज विरोध प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हमारे सबके नेता हैं, जब नेता ही सड़क पर आ रहा है तो इसका मतलब आज आप इस घटना की गंभीरता को समझ सकते हैं। वो खुद बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को समझते हैं, गांधी को मानते हैं, क्योंकि इस देश में आप जानते हैं 3-4 बलिदान पड़े हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली लगी, गोली मारने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता थे, देश जानता है, जिन लोगों ने बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कभी आज़ादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो लोग राष्ट्रपिता को गोली से मार रहे थे। उसके बाद फिर बड़ा बलिदान हुआ इंदिरा जी का, इंदिरा जी ने क्या कहा कि देश में आतंकवाद ख़त्म होगा, मेरे खून का अंतिम कतरा भी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बह जाएगा, फिर उनको 24 गोलियां लगी। और उसके बाद राजीव गांधी जी का बलिदान हुआ, तो उसके बाद सरदार बेन सिंह का बलिदान हुआ। बीजेपी के तो किसी नेता को इसलिए नहीं मारता क्योंकि बीजेपी का काम ही मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे को आपस में लड़ाना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, जिन वादों पर चुनाव लड़ा केंद्र में, वो आ गई, ना तो किसान को संभाला, ना मजदूर को, ना कर्मचारी को, ना व्यापारी को, ना विद्यार्थी को, दिया किसको क्या है। और महंगाई के मुद्दे पर आप लड़ने गए तो भूख से तो लोग मर रहे हैं। एकमात्र मॉडल स्टेट हमारी राजस्थान की सरकार है, जहाँ पर पूरे देश ने देखा कोरोना के मैनेजमेंट में हम नंबर वन पर रहे, जहाँ फ्री दवा, फ्री जांच योजना है, जहाँ बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन 80 लाख लोगों को मिलती है, जहाँ चिरंजीव बीमा योजना लेकर आते हैं, वेलफेयर स्टेट है, जहाँ डेवलपमेंट और वेलफेयर ही हमारा मुख्य आधार है। और ये बीजेपी के लोग तो अब इतने बड़े हो गए कि राम को भी चुनौती देते हैं, कहते हैं भगवान राम तो हमारे कारण है, हम नहीं होते तो भगवान राम तो समुद्र में होते, ये माणा प्रताप को चुनौती देते हैं, नाटक करते हैं। राजस्थान की तो बीजेपी की तो इतनी बुरी हालत है कि झूठ बोलने के, झूठ के जनरेटर ये, इनको तो झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अब एक नया षड्यंत्र चालू कर दिया राजस्थान में, बीजेपी के नेता नई भर्तियों को रुकवाना चाहते हैं, और नई भर्तियां रुक जाएगी और बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इनको क्या मिलेगा? तो बीजेपी झूठा माहौल बनाती है कि जिससे भर्तियाँ रुक जाए और ये हंगामा हो जाए, राजस्थान बदनाम हो जाए। तो राजस्थान को बदनाम करके भर्तियाँ रोकने की कोशिश करेंगे तो ये षड्यंत्र हम स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं आपके पास कोई मुद्दा तो मिलो ना मुख्यमंत्री से, मिलो जाके शिक्षा मंत्री से, मिलो जाके गवर्नर साहब से, मिलो डीजी से। सड़क पर आंदोलन करेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे। और उनका जवाब देते नहीं है, भाई हमने गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमने इतने वादे किए थे, इतने वादे पूरे कर दिए। हमने बताया तो मोदी सरकार का भी रिपोर्ट कार्ड बता दो कि उन्होंने कितने वादे किए थे और कितने पूरे कर दिए, उस पर ये काम नहीं करना चाहते। तो हम हमेशा सच्चाई की राजनीति करते हैं, राम राज्य की बात हम करते हैं, राम राज्य का अर्थ है जनकल्याण और विकास, उस रास्ते पर कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही है। जो विरोध डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं परीक्षाओं को लेकर, रीट में आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब का मैं सम्मान करता हूँ, मेरे खास है, लेकिन डॉक्टर साहब को बीजेपी को संभालना चाहिए। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि डॉक्टर साहब जैसे आंदोलनकारी को बीजेपी जगह नहीं दे रही, अब वो जगह नहीं दे रही तो डॉक्टर साहब बड़े नाराज हैं। तो डॉक्टर साहब बार बार अपनी ताकत दिखाते हैं तो जहाँ भी मौका मिलता है डॉक्टर साहब पहुँच जाते हैं। अब डॉक्टर साहब वहाँ पहुँच गए, उस दिन बच्चों ने बुलाया, लेकिन डॉक्टर साहब को फिर बैक होना पड़ा। डॉक्टर साहब को ये समझना पड़ेगा, ये नई भर्तियों का मामला है,
राजस्थान को बताऊं तो आपको यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिक्कत क्या है कि वो एक अच्छे आंदोलनकारी हैं, लेकिन ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है रीट भर्ती परीक्षा का, इसमें उनको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने ही मुद्दे उठा लो, भारतीय जनता पार्टी आपको पूछने वाली नहीं है डाक साहब, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। और डाक साहब को बीजेपी पूछे तो फिर दिक्कत ही नहीं है, लेकिन डाक साहब को नहीं पूछ रही बीजेपी। डाक साहब जैसा आंदोलनकारी यदि उनको कहीं यहाँ करना तो कांग्रेस को बताए आकर, कोई कमी है, कोई बात है, कोई तथ्य है तो खुद शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने कहा कि आओ मेरे से मिलो, डाक साहब मेरे घर आ जाए, मैं चाय पिला दूंगा या हम चले जाएंगे, बताओ तो सही कहीं बात है। लेकिन डाक साहब के साथ चक्कर क्या, वो इंटरनल वॉर चल रहा है बीजेपी का, अब लड़ाई वहाँ लीडरशिप की है और डाक साहब को पूछ नहीं रहे, इसलिए झंझट हो रहा है सारा। दो उपचुनाव के अंदर आप भी एक चुनाव के प्रभारी हैं, ये पूरे घटनाक्रम जो प्रियंका गांधी से जुड़ा है, किसानों से जुड़ा है, कितना लाभ कांग्रेस को चुनाव में होगा, कितना लाभ चुनाव को उपचुनाव मिलेगा राजस्थान? देखिए सवाल इस उपचुनाव का नहीं है, ये उपचुनाव तो हम वैसे भी जीतेंगे, वल्लभ नगर और दरियापुर दोनों सीट हम इसलिए जीतेंगे कि पूरे राजस्थान में जो वर्किंग रही है हमारी 2.5 वर्षों वो गहलोत सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। इस वक्त गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए, बीजेपी के थप्पड़ मारने के लिए, राम के सिद्धांत पर चलने के लिए मुझे विश्वास है पंजे का निशान का बटन दबाएंगे और हमें वोट करेगी और हम ये दोनों सीट जीतेंगे वल्लभ नगर दरिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रताप जी। बिल्कुल ब्यूरो चीफ योगेश जी को आप देख रहे थे जो प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले को लेकर के। तो बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। हुआ है किसानों की हत्या रोंद करके कर दी गई है उसके परिवारों को। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।